गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल यानी पिछले वीडियो में हम आपको प्रक्षेप गति से संबंधित विवेचन दे रहे थे यानी यौगिक प्रश्न। उसी क्रम में आज भी हम प्रक्षेप गति से संबंधित आंकिक प्रश्न लेकर आएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आंकिक प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसके वैल्यू मान लिखेंगे, इसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो बताएंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो वही खिलाड़ी उस गेंद को जमीन से कितनी ऊंचाई तक ऊपर फेंक सकता है, इसकी गणना करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हमें क्या मिलता है कि वो खिलाड़ी गेंद को 3600 मीटर की दूरी तक अधिकतम फेंक पाता है, तो ये आर मैच का मान लिया गया। आर मैच इक्वल 100 मीटर, हमको एच मैच निकालना है। एच मैच इक्वल क्वेश्चन होंगे कि 3600 दूरी निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हो जाएगा अधिकतम अधिकतम 36 दूरी के लिए फॉर्मूला देखिए क्या होगा। आर मैक्स इक्वल यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपित पिंड का कोण कितना होना चाहिए, 36 से 45 अंश होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारा थीटा इक्वल कितना है 45। अब मान कर दीजिए इसी तरह का तो 100 हो जाएगा इक्वल यू स्क्वायर, वैसे रखिए ये साइन 2 × 45 अपान डी हो गया 100 इक्वल। अब इसका साइन 90 बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी एंटू साइन हो गया, और साइन 90 का मान होता है इसलिए 100 इक्वल यू स्क्वायर अपॉन जी। ये समीकरण देख लीजिए पहाड़ पर अधिकतम ऊंचाई के लिए, परंतु अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स ऊपर जाता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब एच मैक्स का वैसे रहा इक्वल, अब इसको हम यू भी लिख सकते हैं 1/2 × u² अपॉन। अब समीकरण एक से लेके यू स्क्वायर अपॉन जी का मान कितना है बेटा, यहाँ पर वही रख देंगे ये मिल जाएगा हमको 1/2 × 100। अब इससे काट दीजिए तो ये कितना मिला 50 मीटर यानी एच माइल्स। अर्थात वह खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर की ओर अधिकतम 50 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न पढ़ा है, एक क्रिकेट की गेंद को 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है और जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ज्ञात करिए। नंबर एक गेंद की ऊंचाई, नंबर दो पृथ्वी सतह तक पहुंचने में लगा समय, और तीसरा है 36 परास। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन से वाइट मार लिखेंगे क्या क्या हमने बताएंगे। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और ऐसा करने से आपको मालूम हो जाएगा कि क्वेश्चन से भी कौन कौन से मान क्या हो रहे हैं। तो क्रिकेट में कि गेंद को 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो यहाँ पर v दिया गया है इनको v इक्वल कितना 28 मीटर प्रति सेकंड, थीटा का वैल्यू मान है 30 अंश और स्मॉल g का वैल्यू मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहले पार्ट में आपसे
देर का टाइमिंग ठीक और क्वेश्चन मार्क यदि आप बता सकते हैं क्योंकि पूरा मामला समय पूछा गया है और तीसरे में आपसे पूछा गया है 36 पर तो आप हमने सारे वही मान लिख दिया। इसके बाद अब पहला प्राप्त यानी पहला वायुमान निकालना है गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई। हम पीछे पढ़ चुके हैं क्योंकि चूंकि गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई एच इक्वल क्या होता है ना यू स्क्वायर ध्यान दीजिएगा हम वायुमान रखेंगे जो जो हमको क्वेश्चन के द्वारा दिया हुआ है तो एच इक्वल यानी यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा ठीक है तो यू का वायुमान है हमारा 28 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 और जी का मान है 9.8। इसको हम यू भी लिख सकते हैं 5 और देखिए साइन 30 का मान होगा ऐड कर रहे हैं और ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8। अब इससे आपसे जो आप बात कीजिए इसको ये होगा 7 इससे आप इसको काट दीजिए ये गुणा करा लेंगे Thank you.
Utaman 28, Pitu 28. Sine is equal to sine 2 into radians upon g का वैल्यू हम लिख सकते हैं 9.8 ये हो जाएगा 28 into 28 into और देखिए sin 60 व sin 60 का मान d by 2 और ये हो जाएगा 9.8। अब इससे इसको काट दीजिए। अब इसका ही हटा देंगे चीजों पर जाएगा यानी 1.4 × 28 × 9 8 × √3। अब इसका कैलकुलेशन देखें स्वतः अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और या इसको जब काटेंगे तो लास्ट में आकर निकल आपको ये तो वैसे जाएगा ये 1.73 तो बड़ा बड़ा दीजिए एक दुनिया चार दुनिया चार में 11 चार सत्य 28 एक 29 तो चार तो 6.5 × √3 तो सारी दूरी हो गया। अब इसको हम दूरी लिख सकते हैं इसलिए कितना हो जाएगा 69.28 मीटर। ये हो गई स्टैटिक। इस तरह ये तीनों वैल्यूमान निकाले जा सकते हैं। कल फिर इसी से निवेदन देंगे, आप लोग भी प्रयास करेंगे अधिक से अधिक सॉल्व करने का यानी हल करने का। फिर हम अगले वीडियो में फिर इसी चैप्टर के निवेदन हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।